हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल की प्रीवियस वीडियो में हम बात कर रहे थे फंक्शन की, और फंक्शन में हमने देखा था फंक्शन होता क्या है पहली क्लास में, उसके कुछ एग्जांपल्स देखे थे। सेकेंड वीडियो में हमने अलग अलग फंक्शन के टाइप्स देखे थे और कैसे प्रोग्राम लिखते हैं और कौन कौन से उसके एलिमेंट्स होते हैं, रिटर्न में आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने विद एग्जाम्पल बहुत ब्रीफली डिस्कस किया था। आई होप वो सबको क्लियर होगा। आज हम बात करेंगे फंक्शन के अगले एलिमेंट के बारे में, दैट इज वेरिएबल स्कोप और इनबिल्ट फंक्शन। ओके, और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले फंक्शन की प्रीवियस वीडियोस, दोनों वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, किसी तरह का कोई डाउट ना हो। क्योंकि वो दोनों वीडियो देखकर जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, कहीं भी कोई डाउट नहीं होगा। ओके, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ पाइथन फंक्शन में क्या चीजें हैं, कैसे होती है, सब हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल की। देखिए, वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी प्रोग्राम के अंदर हमने कितने एलिमेंट लगाए हुए हैं, कितने एलिमेंट यूज किए हुए हैं, वो क्या होता है वेरिएबल, जिसकी वैल्यू चेंज होती रहे, ठीक है। अब उसका स्कोप क्या होता है, वेरिएबल का स्कोप ये बताता है कि वेरिएबल को आपने किस लोकेशन पर डिक्लेयर किया हुआ है, उसको उसका स्कोप कहते हैं, ठीक है। फंक्शन के अंदर जितने भी आप वेरिएबल बनाते हो वो दो तरीके से डिफाइन होते हैं, दैट इज ग्लोबल एंड लोकल। ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल का मतलब जो आउटसाइड द फंक्शन हो, और लोकल का मतलब जो इनसाइड द फंक्शन हो, ठीक है। और वेरिएबल जो भी आप डिक्लेयर करोगे इन वन पार्ट ऑफ प्रोग्राम मे नॉट बी एक्सेसिबल टू द अदर पार्ट, वो दूसरे पार्ट में वो एक्सेस नहीं होगा, ठीक है। वो दोनों हम डिस्कस करेंगे, ग्लोबल वेरिएबल को भी और लोकल वेरिएबल को भी। तो कोई वेरिएबल जिसको आप आउटसाइड एनी फंक्शन डिक्लेयर करते हो उसको क्या कहते हैं, ग्लोबल फंक्शन, यानी वो उसका ग्लोबल स्कोप होता है। और अगर आप इनसाइड द फंक्शन करते हो तो वो क्या होता है, लोकल स्कोप, यानी लोकल वेरिएबल, उसका जो स्कोप होता है वो फंक्शन के अंदर होता है, इनसाइड द फंक्शन, यानी फंक्शन के अंदर होता है। ओके, अब कैसे हम देखेंगे, अब इसका वन बाई वन एक एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं लोकल वेरिएबल का, ठीक है। एक फाइल बना लेते हैं, न्यू फाइल बना ली। अब मान लेते हैं कि मैंने डेफ एमएसजी मैसेज, ठीक है, एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है एमएसजी नाम का। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, मैसेज इज इक्वल टू, हम इसमें कोई मैसेज लिखते हैं, हेलो देयर। ओके, कोई भी मैंने एक मैसेज लिख दिया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट मैसेज। ओके, हम मैसेज को प्रिंट करा रहे हैं। देन आफ्टर फंक्शन के बाहर आप आइए, फंक्शन के बाहर आके हम एमएसजी को कॉल करते हैं, यानी हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक। फिर उसके बाद हम मैसेज को अलग से प्रिंट करते हैं, मैसेज। ओके, अब देखिए यहां पर जो आपको ये जो डेटा दिख रहा है, ये जो वेरिएबल आपको दिख रहा है मैसेज का, ये क्या है, ये फंक्शन के अंदर बनाया गया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लोकल वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या आउटपुट हमें देगा, आइए प्रोग्राम को सेव करते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या आउटपुट आता है। प्रोग्राम को सेव करते हैं, डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं, ठीक है, 3.2.2.py। ओके, डेस्कटॉप पर फाइल हमारी सेव है। अब इसको रन कराते हैं, रन किया, देखिए रन करने पर आप देखोगे हेलो देयर, ये कौन सा एग्जीक्यूट हुआ है, जो फंक्शन के अंदर था, यानी जो फंक्शन के अंदर मैंने बनाया हुआ था हेलो देयर, ये यहां पर एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ये प्रिंट नहीं हुआ है, ठीक है, ये यहां पर प्रिंट नहीं हुआ। क्यों, वहां पर इसीलिए प्रिंट नहीं हुआ है क्योंकि रिसेंट कॉल लास्ट और नेम मैसेज इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैसेज जो है वो आपका डिक्लेयर नहीं किया गया, यानी आउटसाइड द फंक्शन वो वहां पर अवेलेबल नहीं है, ये लोकल वेरिएबल है। फंक्शन के अंदर रन हुआ, आपको आउटपुट मिला, लेकिन बाहर इसका आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बाहर के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर के लिए मुझे बनाना पड़ेगा एक ग्लोबल वेरिएबल। ओके, आइए देखें वो किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। ग्लोबल वेरिएबल को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, आइए उसको भी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं एक हमने फंक्शन बनाया डेफ कैल्क,
कैलकुलेट का हमने बना लिया, इसमें हमने एसटीआर एआरजीएस किया। अब एसटीआर एआरजीएस मैंने क्यों किया हुआ है, इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देखिए। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि ये है क्या, कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में हमने विद एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में बात की थी। तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें जिससे कि पता चले कि भाई ये है क्यों। ठीक है, सम इज इक्वल टू जीरो, मैंने सम इज इक्वल टू जीरो ले लिया और लूप मैंने चला दिया फॉर ए आर जी इन ए आर जी एस, फॉर ए आर जी इन ए आर जी एस सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर जी, सम इज इक्वल टू सम प्लस ए आर जी। ठीक है, बाहर आए, लूप के बाहर आए, फंक्शन के बाहर नहीं। प्रिंट द सम इज SUM सम। ठीक है, अब आते हैं लूप के बाहर। लूप के बाहर आके हम क्या करेंगे, फिर से एक बार कर देते हैं सम इज इक्वल टू जीरो और कॉल करते हैं फंक्शन को कैल्क, हमारे फंक्शन का नाम है कैल्क 10, 20, 30। मैंने इस पे कुछ नंबर्स दे दिए, ठीक है, 10, 20, 30। ओके, अब देखिए, अब ये क्या काम करेगा, यहां तक आप चाहो तो ग्लोबल वेरिएबल भी इसका बना देते हैं। चलिए, प्रिंट वैल्यू ऑफ सम, सम आउटसाइड द फंक्शन सम। ओके, अब देखिए यहां पर एक बार फिर से प्रोग्राम समझिए। मैंने एक फंक्शन बनाया हुआ है कैल्क नाम का, जिसके अंदर कुछ आर्गुमेंट पास किए हुए हैं strkrgs, प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बात की थी, और हम सम कर रहे हैं, नंबर मैंने 10 20 30 दिया हुआ है। ओके, लेट्स चेक द आउटपुट। आउटपुट अगर आप चेक करोगे, देखो वैल्यू द सम इज 60, सम क्या आया 60 आया, और वैल्यू ऑफ सम आउटसाइड द फंक्शन 0। ये कॉल तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट आपको क्या दे रहा है, 0। क्यों? क्योंकि सम की वैल्यू यहां पे क्या है, 0 है। ठीक है, तो यहां पर सम क्या है, सम आपका ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, सम आपका ग्लोबल वेरिएबल है, और जो वैल्यू आप यहां पर दे दोगे वो वहां पर क्या करेगा, वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, यानी जो रिजल्ट 10 20 30 दिया हुआ है, जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं, तो वो 10 20 और 30 तीनों को क्या कर रहा है, सम कर रहा है, और आपको रिजल्ट भी दे रहा है द सम इज 60। लेकिन जब आप उसको आउटसाइड द फंक्शन कॉल करते हो तो वो क्या बताएगा, वैल्यू ऑफ सम आउटसाइड द फंक्शन 0। यानी सम जो है, वो वेरिएबल जो है, वो कॉल हो रहा है, रन भी हो रहा है, लेकिन आउटपुट आपको 0 दे रहा है। क्यों? क्योंकि 0 हमने डिफाइन किया हुआ है। अगर हम यहां पर मान लो, मैंने यहां पर सम इज इक्वल टू 0 हम ना करें, मैंने इसको कमेंट कर दिया, मान लेते हैं अगर मैंने इसको कमेंट कर दिया तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए बिल्ट इन फंक्शन सम, वो क्या बताएगा कि भाई वो बिल्ट इन फंक्शन सम, यानी बिल्ट इन फंक्शन सम नाम का बनाया गया है, उसकी कोई वैल्यू आपने नहीं दी है, तो इसीलिए कोई एरर वो शो नहीं कर रहा है, लेकिन आपको आउटपुट भी ये नहीं देगा। ठीक है, इसके बारे में आगे भी हम लोग और भी बातें करेंगे, बट यहां पर आपको सिर्फ इतना जानना है कि देर आर टू टाइप ऑफ स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल जो होते हैं उसके दो स्कोप्स होते हैं, पहला होता है ग्लोबल, जो कि आउटसाइड द फंक्शन होता है, और दूसरा होता है लोकल, जो इनसाइड द फंक्शन होता है। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। नाउ अब हम बात करते हैं पाइथन बिल्ट इन फंक्शन की। पाइथन के अंदर बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, यानी जिसका मतलब कंपाइलर को, सॉरी इंटरप्रेटर को पहले से पता होता है। ठीक है, बहुत सारे हैं, हम वन बाय वन जितने भी इंपॉर्टेंट हैं उन सबको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि ये इतने फंक्शन पाइथन में पाए जाते हैं। ओके, सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जितने इंपॉर्टेंट सबको डिस्कस करेंगे, फिर आपको एक रॉ लिस्ट भी मिल जाएगी कि भाई ये इतने होते हैं। ठीक है, यानी जिनकी फंक्शनैलिटी प्रीडिफाइंड होती है पाइथन के अंदर, उनको हम पाइथन बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। ओके, जो ऑलवेज प्रेजेंट फॉर यूज, जो हमेशा प्रेजेंट होते हैं, आप उनको कभी भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये प्रीडिफाइंड मीनिंग्स होती है हर एक फंक्शन की, जिसका मतलब इंटरप्रेटर को पता होता है, यानी पीवीएम पाइथन वर्चुअल मशीन को उसका मतलब पता होता है, उसको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। आगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करेंगे। वैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन की मैंने एक दो एग्जांपल प्रीवियस वीडियो में देखे थे, लेकिन उसके बारे में हम लोग और डिटेल में भी बात करेंगे, फिलहाल हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शन के बारे में। ठीक है, नाउ स्टार्ट करते हैं जितने भी हैं। सबसे पहला आता है एबीएस, एब्सोल्यूट। ठीक है, यानी आप एबीएस फंक्शन का यूज करोगे तो जो कोई भी नंबर होगा वो उसका क्या करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू आपको रिटर्न करेगा। ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट इंटीजर हो, फ्लोट हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपको एब्सोल्यूट इसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर देते हो तो उसका मैग्नीट्यूड प्रोवाइड करेगा।
कैसे यूज करते हैं, आइए विद एग्जांपल देखें। बिल्कुल सिंपल सा इसका एग्जांपल हम देखेंगे। मान लो मैंने ले लिया n, n एक वैल्यू ले ली और मैंने ले लिया -20, -20 n की वैल्यू है, ठीक है। प्रिंट, हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट एब्सोल्यूट वैल्यू इज क्या, एबीएस ऑफ n, एबीएस ऑफ n, ठीक है। ये आपका क्या है, इंटीजर नंबर है, एक फ्लोट नंबर भी ले लेते हैं f, f इज इक्वल टू -20.20 ले लेते हैं, ठीक है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ f, ओके, नाउ सेव किया, प्रोग्राम को रन कराते हैं, आउटपुट क्या आएगा, 20 and 20.2, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू यानी नेगेटिव अगर नंबर आप दोगे वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देगा, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल, ओके। आप अगर कोई मुझसे पूछता है कि अगर हम स्ट्रिंग वैल्यू देंगे तो क्या होगा, चलिए s इज इक्वल टू, हेलो मैंने स्ट्रिंग नंबर दे दिया, अब देखते हैं s में क्या करता है, ये देखिए एरर, ठीक है, क्योंकि str में ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ओके। अब मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर देते हैं हम 10+20j, 10+20j, आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरीके से दिए जाते हैं, ठीक है, ये देखिए 22.360, यानी जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा वो आपको वो नंबर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मुझे पता है अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पाइथन में इस तरीके से डिफाइन करते हैं, ओके। आई होप सबको ये क्लियर होगा, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल था एबीएस यानी एब्सोल्यूट फंक्शन के बारे में। तो आपका पहला इनबिल्ट फंक्शन था एबीएस। दूसरा, नेक्स्ट हमारा आता है ऑल फंक्शन। देखिए ऑल फंक्शन का काम होता है जितने भी इटरेबल ऑब्जेक्ट हैं, अगर आपके प्रोग्राम के अंदर इटरेबल ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, सेट, तो वो क्या करेगा, वो उन सबको ट्रू रन करेगा, वो उसको ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम, ठीक है। आइए देखें प्रोग्राम के थ्रू देखते हैं इसको। मान लेते हैं मैंने ले लिया k इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, क्या है ये लिस्ट है, ठीक है, प्रिंट ऑल k, ओके पहली चीज। अब ये तो ट्रू रिटर्न करेगा, कुछ और ले लें, मान लेते हैं कि मैंने ले लिया k इज इक्वल टू 0 और फॉल्स, प्रिंट ऑल ऑफ k, एक मैंने ट्रू लिया हुआ है और एक मैंने फॉल्स लिया हुआ है, ठीक है। अब फिलहाल इतना देख ले, रन कराते हैं इसको, देखिए पहला ट्रू दूसरा फॉल्स। पहला ट्रू क्यों, क्योंकि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे इटरेबल हैं, ठीक है, और ट्रू एलिमेंट्स हैं इसलिए इसने ट्रू दिया। यहाँ पर आपका फॉल्स आ गया, इटरेबल नहीं होगा तो इसलिए इसने यहाँ पे क्या दिया, फॉल्स दिया, ठीक है। एम्प्टी, अगर मान लो हम एम्प्टी लेते हैं, के इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट मैंने ले ली, प्रिंट ऑल ऑफ के, अब ये क्या रिटर्न देगा, देखिए ट्रू, यानी अगर आपका इटरेबल ऑब्जेक्ट एम्प्टी है तो ऑल फंक्शन जब भी आप यूज करोगे ये आपको क्या देगा, ये आपको हमेशा ट्रू देगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट ऑल फंक्शन, आई होप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा आता है बिन फंक्शन। बिन फंक्शन के बारे में हमने फंडामेंटल में भी बात की थी, जब आपको डेटा टाइप बताया था तो उसमें बिन फंक्शन के बारे में भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। बिन फंक्शन यूज होता है जब भी आप किसी स्पेसिफिक इंटीजर को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हो तो उसका प्रीफिक्स 0B होता है, ठीक है। ये हमने फंडामेंटल में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया था, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, इन सब के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, वो वीडियो जरूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ओके। बिन यूज कैसे करेंगे, विद एग्जांपल इसको देख लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 10, मान लीजिए मैंने x इज इक्वल टू 10 ले लिया और मैंने लिख दिया y इज इक्वल टू बिन ऑफ x, प्रिंट करा दिया y को, बहुत छोटा सा एग्जांपल। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट, दिस 0B1010, क्यों, क्योंकि जो 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है 1010, ठीक है,
कुछ और कर लें, 20 करिए। मैंने 20 कर लिया, दिस 0 भी 1 0 1 0 0 0। ठीक है, ये क्या है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, यानी नंबर का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है और मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है, फंडामेंटल की वीडियो जरूर देखें। ओके, तीन आपके फंक्शंस हो गए। चौथा बाइट्स, बाइट्स फंक्शन जो होता है वो आपको बाइट्स ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, जो भी आप नंबर दोगे वो उसका बाइट ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। इसके बारे में हमने बाइट एरे में डिस्कस किया हुआ है फंडामेंटल में, सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जिसको मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, बस आप एक बार वो वीडियो देखो, उसको रिकॉल करो, ये बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं मैंने यहाँ पे ले लिया str इज इक्वल टू हेलो, ठीक है हेलो। अब मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू बाइट्स, a इज इक्वल टू बाइट्स ऑफ str कॉमा, मान लो मैंने यहाँ पे utf 8 ले लिया। ओके, UTF 8 मैंने ले लिया यहाँ पे। अब UTF 8 क्या है, उसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी होगी तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, प्रिंट किसको करा रहे हैं, प्रिंट हम करा रहे हैं A को, सेव किया, चेक करते हैं आउटपुट, वही आउटपुट आएगा B हेलो। ठीक है, यानी बाइट ऑफ हेलो। ओके, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, सो परेशान ना हो, बस आपको एक बार रिकॉल करना होगा, ये सारी चीजें एक बार आप रिकॉल करोगे। यूटीएफ क्या होता है, यूटीएफ के बारे में मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, या आप बाइट एरे के बारे में, जब आप बाइट एरे की वीडियो अगर आप देखोगे तो वहां भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो ये आपका फंक्शन था बाइट्स। नेक्स्ट फंक्शन हमारा आता है कॉलेबल। देखिए, कॉलेबल फंक्शन ट्रू रिटर्न करता है जब आप कोई ऐसा एलिमेंट बनाते हो जो कि जिसको हम कॉल कर सकें। ठीक है, समथिंग दैट कैन बी कॉल्ड, जिसको हम कॉल कर सकें, ये उसको ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। ठीक है, चेक एंड रिटर्न ट्रू इफ द ऑब्जेक्ट पास अपीयर टू बी कॉलेबल, अगर कोई ऑब्जेक्ट कॉलेबल है, आप उसको कॉल कर सकते हो, तो वो क्या देगा आपको, ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। कैसे, विद एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो मैंने ले लिया एक्स इज इक्वल टू 10, x is equal to 10 मैंने ले लिया और सिंपल मैंने प्रिंट किया, प्रिंट कॉलेबल, कॉलेबल मैंने कर दिया किसको, x को। ओके, सेव किया, आउटपुट देखते हैं फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो कॉलेबल नहीं है, आप इसको कॉल नहीं कर सकते। कॉल किसको करते हैं, अभी फंक्शन में प्रीवियस वीडियो में हमने क्या कॉल ही कर रहे थे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वेरिएबल जिनको आप कॉल कर सकते हो, उसके लिए ये ट्रू होगा वरना क्या होगा, फॉल्स होगा। ओके, जस्ट गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट इट, बहुत ज्यादा यूज हम इसका करेंगे नहीं, बस इसके बारे में आप बेसिक जानकारी रखो। तो ये कॉलेबल फंक्शन था। नेक्स्ट हमारा आता है एएक्सीसी, यानी एग्जीक्यूट फंक्शन। एग्जीक्यूट फंक्शन आपका एक यूज होता है डायनामिक एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, मान लो आपने पाइथन के कोड में स्ट्रिंग या फिर कोई ऑब्जेक्ट कोड दे दिया है, अगर आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लॉक्स ऑफ कोड हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ कोड अगर आप लिख रहे हो, उसमें अगर आप पाइथन प्रोग्राम के अंदर कुछ स्ट्रिंग दे रहे हो या कोई ऑब्जेक्ट कोड दे रहे हो, तो exec क्या करेगा, exec उसको एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इवेल क्या करता है, सिंगल एक्सप्रेशन को करता है। इवेल क्या है वो आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इवेल फंक्शन के बारे में। लेकिन जो एग्जिक फंक्शन है, एग्जिक फंक्शन काम होता है जितने भी स्ट्रिंग या फिर ऑब्जेक्ट कोड हो, वो उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करने काम करता है। कैसे करता है, आइए विद एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 लिया हुआ है, ठीक है, इसी भी काम करते हैं। x इज इक्वल टू 10 लिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया exec, exec के अंदर मैंने क्या किया, प्रिंट x इज इक्वल टू 10, स्ट्रिंग के अंदर है। ओके, स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसको लिख दिया हुआ है दिस। ओके, एक बार और यूज कर लें, एक्स प्रिंट एक्स प्लस 4 दिस। ठीक है, आइए देखते हैं क्या आउटपुट आएगा इसका।
चेक द आउटपुट ट्रू 14 ट्रू और 14 कैसे भाई वो ट्रू इसलिए क्योंकि आपने इसके अंदर स्ट्रिंग दिया हुआ है और कोई एग्जीक्यूटेबल कोड यानी ऑब्जेक्ट कोड दिया हुआ है इसलिए वो क्या दे रहा है इसको ट्रू दे रहा है और उन दोनों का सम यानी 10 की वैल्यू यानी x की वैल्यू 10 है प्लस 4 उसको ऐड करके भी आउटपुट दे रहा है यानी है तो स्ट्रिंग लेकिन आपको आउटपुट किस फॉर्म में दे रहा है ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में आपको आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। एक्सेक इसीलिए यूज होता है जो कि आपके किसी कोड को क्या करे एग्जीक्यूट कर दे। ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं सम फंक्शन के बारे में। सम जैसे नाम से ही लग रहा है कि क्या करेगा सम करेगा जो भी आप नंबर दोगे किसी भी इटरेबल का लिस्ट वगैरह हो गई तो आप जब नंबर को सम करने के लिए यूज करोगे तो क्या करेगा उसके लिए सम फंक्शन यूज होता है। इनबिल्ट सम आप बना भी सकते हो और सम पाइथन के अंदर इनबिल्ट भी होता है। कैसे x इज इक्वल टू सम ऑफ मान लो मैंने ले लिया 1 2 3 4 ओके सम ऑफ दिस हम क्या कर रहे हैं सिंपल प्रिंट ऑफ s कर रहे हैं। ठीक है एक और कर लेते हैं s इज इक्वल टू सम ऑफ थोड़ा और इसको अच्छा कर देते हैं 1 2 3 4 इसको बंद कर लेते हैं कॉमा 10 एक और चीज में ऐड कर दिया मैंने। ठीक है प्रिंट करते हैं इसको सिंपल आउटपुट क्या होगा कंसीडर द आउटपुट। देखिए 10 और 20 कैसे भाई 10 और 20 कैसे देखिए 10 तो यहां पे आ गया आपका 2 1 + 2 + 3 + 4 10 आया आपका। ठीक है एस की वैल्यू प्रिंट हुई 10 उसके बाद ये सारी वैल्यू मिलके कितना आ रहा है 10 10 + 10 कितना हो जाएगा आपका 20 ओके 10 + 10 कितना हुआ 20 ओके तो आप डायरेक्ट सम फंक्शन को अपने कोड में इस तरीके से यूज कर सकते हैं नॉर्मली भी यूज कर सकते हो आप इस तरीके से भी सम फंक्शन को यूज कर सकते हो ओके। नेक्स्ट हमारा आता है इवैल फंक्शन। देखिए इवैल फंक्शन काम करता है जब पाइथन एग्जीक्यूशन कोड विद इन द प्रोग्राम इवैल फंक्शन पार्स द एक्सप्रेशन जो भी आप एक्सप्रेशन दोगे वो उसके अंदर एग्जीक्यूट करने काम करेगा। ठीक है एक्सेक की ही तरह होता है लेकिन एक्सेक से आप बहुत सारी चीजों को एक साथ रन करा सकते हो जबकि इवैल फंक्शन के अंदर आप सिंगल एक्सप्रेशन पास कर सकते हो। किस तरीके से आइए कोड के थ्रू देखते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 10 ठीक है प्रिंट इवेल प्रिंट इवेल ऑफ x प्लस 10 x लिया हाँ x प्लस 10। अब देखिए मैंने यहां पर एक्सप्रेशन पास किया हुआ है x प्लस 10 क्या है एक एक्सप्रेशन है आउटपुट क्या मिलेगा आपको 20 यानी एक्सप्रेशन को भी उसने क्या किया इंटीजर के फॉर्म में यूज किया इंटीजर के फॉर्म में कंसीडर किया किसके थ्रू इवैल फंक्शन के थ्रू। ठीक है इवैल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसकी प्रैक्टिस जरूर करें बहुत छोटा सा है बहुत आसान है बट इंपॉर्टेंट है तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। आप जो भी एक्सप्रेशन दोगे वो क्या करेगा वो उसको इंटीजर या जो भी नंबर आप दोगे उसके फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट देगा। ठीक है आई होप सबको ये क्लियर होगा बहुत बेसिक सा एग्जांपल था। नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन। फ्लोट फंक्शन किसी भी नंबर को या किसी भी स्ट्रिंग को क्या करता है कन्वर्ट करता है किसमें फ्लोट में ओके कैसे आइए विद एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं मैंने यहां पर लिखा प्रिंट फ्लोट ऑफ 9 प्रिंट फ्लोट ऑफ 9 ओके प्रिंट और भी वैल्यू ले लेते हैं फ्लोट ऑफ 8.18 जो भी ले लो आप ओके फ्लोट वैल्यू भी हमने ले ली एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेते हैं प्रिंट फ्लोट ऑफ -24.20 ओके अब सेव किया इसको रन कराते हैं। देखिए 9.0 8.18 ऑलरेडी फ्लोट था और स्ट्रिंग वैल्यू को हटा के उसने क्या किया आपको नॉर्मल -24.2
वैल्यू आपको प्रोवाइड कर दी। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है, मैंने यहाँ पे 9 क्या दिया हुआ है, मैंने 9 इंटीजर दिया हुआ है, लेकिन उसने कन्वर्ट किस में कर दिया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अगर हम कैरेक्टर वैल्यू प्रोवाइड करें तो क्या आउटपुट आएगा, प्रिंट फ्लोट ऑफ एक्स वाई जेड, कैरेक्टर वैल्यू है। ठीक है, सेव करते हैं, रन कराते हैं, आउटपुट चेक करते हैं, एरर। ठीक है, स्ट्रिंग को फ्लोट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, फ्लोट में कन्वर्ट वही नंबर होते हैं जो डिसिमल फॉर्म में हो, यानी न्यूमेरिक फॉर्म में हो। ठीक है, भले वो पॉइंट में भी हो क्यों ना, लेकिन न्यूमेरिक होना चाहिए, नॉन न्यूमेरिक वैल्यू को वो कन्वर्ट नहीं करता। इसके बारे में हमने ऑलरेडी फंडामेंटल में डिस्कस किया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्मेट फंक्शन। फॉर्मेट फंक्शन आपको गिवन वैल्यू का फॉर्मेटेड प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, फॉर्मेटेड प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेगा, कैसे प्रोवाइड करेगा, आइए देखते हैं विद एग्जांपल। मान लेते हैं कि मैंने यहां पर लिखा प्रिंट फॉर्मेट, प्रिंट फॉर्मेट मान लो मैंने 1 2 3 ले लिया, 1 2 3 कॉमा, मुझे इसको डी, डी क्या है, डी आपका इंटीजर होता है, याद रखें। नाउ फॉर्मेट 8.180 ले लेते हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें मुझे इसको फ्लोट में करना है तो एफ सबको पता है, देन फॉर्मेट यहां पर कोई नंबर ले लेते हैं, मान लो यहां पे मैंने नंबर ले लिया 10, और 10 को मुझे कन्वर्ट करना है बी, बी का मतलब बाइनरी, बी का मतलब बाइनरी। ठीक है, सेव किया, आउटपुट देखते हैं, ये देखिए 1 2 3 8.180000 और 1010 क्या है, 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। पहली लाइन आपको जो आपने 1 2 3 दिया हुआ है वो उसको इंटीजर के फॉर्मेट में डिस्प्ले कराएगा, दूसरा फ्लोट के फॉर्मेट में डिस्प्ले कराएगा, तीसरा बाइनरी के फॉर्म में डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, आप ऑक्टल कर सकते हो, हेक्साडेसिमल कर सकते हो, यानी जो भी फॉर्म आपको चाहिए वो उसको उस फॉर्म में आपके वैल्यू को क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो फॉर्मेटेड रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या यूज होता है, फॉर्मेट फंक्शन यूज होता है। ओके, सो कितने हमने देखे, 3 to 5 to 7 to 9 to 10। तो आज के लिए इतना ही, पहली वीडियो आज इनबिल्ट पाइथन फंक्शन की पहली वीडियो में हमने 10 इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी और भी कई सारे इनबिल्ट फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों को ये शेयर भी करें, जिससे कि वो लोग भी आसानी से ये सारी चीजें समझ सकें। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।